गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 12वीं क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का छठा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पर आधारित वीडियो नंबर आपके लेक्चर होगा 13। आप देख रहे हो छठा पार्ट आपका दे रखा है अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदा क्या होती है, किस प्रकार से होती है। लेंथी पार्ट है, एक एक चीज को आपने विस्तार रूप से देखा तो आपको समझ आता है किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल पर इसका प्रभाव उत्पन्न होता है, किन किन वजह से ये अम्लीय एवं लवणीय मृदा उत्पन्न होने का क्या प्रोसेस होता है, उसको आपने विस्तार रूप से समझते आए हो। आज उस ऐसे स्टेप फॉलो करेंगे जिसकी वजह से मान लो कल आपने देखा था लवणीय एवं क्षारीय मृदा प्रभावित अलग अलग टाइप की मृदा थी उनको किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाए, तो उसमें दो प्रकार के आपने सुधारीकरण आपने मालूम कर लिया है। उसके ऊपर अब उसका मैनेजमेंट प्रबंध सही नहीं रखा तो वापस मृदा जो आपने सुधारीकरण करके रखी हुई वो वापस किस मृदा में हो जाएगी आपके यथे स्थिति बदल जाती, तब उसको सुधारीकरण करने के लिए अपन ने दो प्रकार के प्रोसेस पढ़े थे। एक तो सस्य विज्ञान द्वारा दी गई अलग अलग प्रकार के मेथड और एक बड़ा था यांत्रिक प्रोसेस जिसके द्वारा खेत में पानी देना सही जुताई अलग अलग प्रकार डायरेक्ट डायरेक्ट अपन अपना के मृदा प्रदूषित होने से अपन क्या कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं। आज अपन देखेंगे लवणीय क्षारीय पानी है उसको भी बार बार लंबे समय तक मृदा में अपन यूज करते रहेंगे तो उसका भी डायरेक्ट डायरेक्ट मृदा को प्रदूषित या डायरेक्ट के लवणीय क्षारीय मृदा उत्पन्न करने में विशेष भूमिका निभाता है। तो इस पानी का प्रबंध कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस रहेगा ताकि पानी को सुधारीकरण किया जाए, कितना पानी डालें, कौन सा पानी डालें, क्या पानी की कैटेगरी है, तो अपन एक एक चीज को आज डिस्कस करेंगे। आज अपना टॉपिक है लवणीय व क्षारीय पानी। पहले तो लवणीय पानी क्या होता है और क्षारीय पानी क्या होता है, पहले उसके अपन परिभाषा देखते हैं या उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर अपन उसमें एंटर करेंगे इन पानी की वजह से भी मृदा में कई प्रकार के फैक्टर उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन पानी का भी प्रबंध किस प्रकार से किया जाए ताकि उसमें भी कई प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। तो अपन देखते हैं पहला दे रखा आपके लवणीय जल। लवणीय जल किसे कहेंगे या उसकी क्या विशेषता होती, ऐसा जल जिसकी विद्युत चालकता इसी का मान कितना हो 4 मीटर प्रति इनवर्स के रूप में हो उससे अधिक मान हो, कितना बताया जाए वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 प्रति मीटर हो या उससे अधिक हो उस पानी को अपन लवणीय पानी के अंतर्गत रख सकते हैं। तो उसकी इसी के अकॉर्डिंग अपने आइडेंटिफाई करके इसी आपको पता है कि पानी में घुलनशील लवणों के साथ सांद्रता को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। दूसरा प्रोसेस होता है सोडियम अधिशोषण अनुपात, ऐसा के अकॉर्डिंग भी अपन बता सकते हैं कि ऐसा का मान मान लो 10 से अधिक है तो वो भी पानी क्या हो जाएगा लवणीय, क्या हो जाएगा लवणीय। अब देखते हैं मान लो आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग पानी में अलग अलग प्रकार किस प्रकार जैसे इसी का आपको गया करना पीछे वाला प्रश्न में आपको सब कुछ समझेगा। आज अपन देखेंगे ऐसा क्या है आरसी क्या है तो उनको एक एक शब्द भी सुनेंगे तथा विशेष सोडियम कार्बोनेट दर आपने बताया रही 0.5 से क्या हो अधिक, मतलब इनकी दर इतनी इतनी होने पर वैसे देखें तो ऐसा का मान कितना होना चाहिए 10 से कम और आरसी का मान 2.5 से कम वो लवण क्या वो इस प्रकार का जल होता है वो कैसा जल होगा आपके लवणीय जल, कैसा होगा लवणीय जल। इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा क्या होती है बहुत अधिक होती है, इसमें सोडियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन से सोडियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फाइड लवण होते हैं वो अधिक मात्रा में देखे जाते हैं। कोई भी पानी लवणीय और क्षारीय डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल पर क्या प्रभाव देखने को मिलता ही, आप जानते हो ये फसल की वृद्धि एवं उपज दोनों को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। कौन सा पानी लवणीय पानी, आप उसे लवणीय पानी की क्या विशेषता है तो 3 विशेषता आपको दिमाग में होगी। इसी का मान होता है
वो आपको बताना है। 4 डेसिल प्रति मीटर से अधिक सोडियम अधिशोषण दर 10 से कम और विशेष सोडियम सोडियम कार्बोनेट की दर आरएससी का मान आपके 0.525 से क्या होना चाहिए अधिक सॉरी कम। तो इनके अकॉर्डिंग तीन पॉइंटों के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं कि मतलब ये पानी लवणीय है और ये पानी सारी है। तो पानी को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 स्टेप दे रखे हो आपको दिमाग में होने वाले। कई बार आपको एक नंबर की परिभाषा पूछते हैं कि लवणीय जल किसे कहते हैं, तो आपको इतना मैटर ऑफ डाउट करवाना नेसेसरी हो जाएगी, दिमाग बात रहेगी। आगे अपन देखते हैं सारी लवण की क्या विशेषता, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन दूसरा पॉइंट अपन देखने जा रहे हैं सारी जल की परिभाषा। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए सेकंड पॉइंट था आपके सारी जल। सारी जल की क्या विशेषता होती है, तो आपको एग्जाम में कभी कभार सारी या लवणीय जल की परिभाषा पूछे या कहीं पे आपको एग्जाम दे रहे हो ऐसे नेट गेट का कोई, तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है सारी जल की विशेषताएँ, तो ऐसे ऑप्शन आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं कि ईसी डीसी ये 4-5 आपको मैसिंग में दे सकते हैं और फिर बाद में पूछते हैं कि इसमें से सारी जल की कौन सी विशेषता है। तो ध्यान रखना कि मतलब कितनी कितनी मात्रा इसकी होती है और कितनी उसकी होती है, तो मात्रा के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करके आपको ऑप्शंस को फेल करना। कई बार आपके जेट के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसिल सीमेंट प्रति मीटर हो तथा आरसी का मतलब क्या हुआ, अवक्षेपण सोडियम कार्बोनेट की मात्रा 2.5 मिली माइक्रोन प्रति लीटर से अधिक हो, वह एसआर की मात्रा सोडियम अधिशोषण की दर आपके 15 से क्या होती है अधिक, इस जल में कैल्शियम मैग्नीशियम की तुलना में सोडियम आयन की मात्रा अधिक होती है, किसकी सोडियम आयन की मात्रा अधिक होती है, यह जल पादप वृद्धि को अत्यंत हानि पहुंचाता है तथा मृदा के भौतिक गुणों पर विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपने सारी एम लवणीय जल की परिभाषा आपने फाइंड आउट की, तो आपको दिमाग में रहेगा किस प्रकार से इनका क्या प्रभाव होता है, किसे कहते हैं, तो ये दिमाग में रहना अनिवार्य है। आगे अपन देखते हैं कि लवणीय एवं सारी भूमि निर्माण में जल की भी विशेष भूमिका रहती है। मतलब लवणीय मृदा हो रही है, सारी मृदा हो रही है, तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट देखे तो पानी का विशेष प्रभाव उस पर देखने को मिलता है, क्योंकि पानी सिंचाई के लिए काम आता है और पानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा की होती इफेक्टेड होती है, क्योंकि पानी से निकालने की क्रिया द्वारा लवणों को अंदर भी ले जाते हैं और बार बार पानी में अधिक लवण होने की वजह से मृदा की ऊपरी परत भी बन सकती है। तो अपन देखिए लैंग्विजिकल मैटर डर है, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, फिर मेन पॉइंट होगा उसको मैं बताऊंगा आपको। देखिए ऊसर भूमि सुधार में सिंचाई के पानी की गुणवत्ता का बहुत अधिक महत्व होता है कि लवणीय एवं सारी मृदा के सुधारीकरण में पानी का अत्यंत महत्व बताया जा रहा है, आप सभी जानते हो, और पानी हर चीज के लिए अनिवार्य बताया गया है। पानी पौधों के लिए हो, जीव जंतुओं के लिए हो, मृदा सुधारीकरण के लिए हो, चाहे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो पानी क्या अनिवार्य है, पानी के बिना अपन किसी की कल्पना करना पॉसिबल नहीं है। उस भूमि में मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता भूमि सुधार तथा बाद में पौधों की सामान्य बढ़ावा तथा उपज प्राप्त करने के लिए होती है। तो अपन देखते हैं सिंचाई क्यों करते हैं, एक तो मिट्टी की सुधारीकरण हो, मिट्टी कठोर नहीं हो, खराब नहीं हो, उनकी गुणवत्ता वैसे बने रहे, उसके लिए अपन एक तो सिंचाई करते हैं और दूसरी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व तथा उनकी वृद्धि व्यवस्थित बनी रहे उसके लिए सिंचाई करना अनिवार्य माना जाता है। पानी में मौजूद तत्व उनकी सांद्रता संघन सिंचाई के लिए उसकी उपयोगिता निर्धारित करते हैं। लवणीय एवं सारिता की समस्या उस स्थिति में उग्र हो जाती है जब पानी से सिंचाई कर रहे हो वो पानी कैसा आपके खारा पानी है, तो खारे पानी की वजह से सिंचाई में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है और उसकी मृदा गुणवत्ता भी खराब होती है और फसल उत्पादन भी डायरेक्ट क्या होता है घटता है। शुष्क तथा अशुष्क जलवायु के कारण भी ये समस्या काफ़ी व्याप्त हो जाती है। लवणीय मिट्टी के सुधार एवं प्रबंध तथा फसल का उत्पादन सिंचाई पानी के गुण एवं उसकी समय पर उपलब्धता पर काफ़ी निर्भर करते हैं। किसी भी सिंचित क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता लवणीयता तथा क्षारीयता का होना समस्या के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करते हैं बताया क्या जा रहा है कि
कि जितने भी प्रकार के प्रोसेस आप देखते हो उसमें जल की डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष महत्वपूर्ण स्टेप माना गया है। तो अपन डायरेक्टली लिख भी सकते हैं कि जल मृदा के भौतिक गुणों तथा फसल उत्पादन को सीधे प्रभावित करते हैं। दिमाग बाजी इतनी लंबी निकल दे रहे हैं, उसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लिख सकते हो कि जल मृदा की भौतिक गुणों तथा फसल उत्पादन को डायरेक्ट प्रभावित करता है और उसकी गुणवत्ता के अकॉर्डिंग पानी सही रूप में डालने से और खारा पानी विशेष करके मृदा के ऊपरी लवणता की मात्रा बढ़ाने का कार्य करता है। बहुत सारे लैंग्वेजिकल मैटर दे रहे हैं परंतु आप इतना शॉर्ट में आप याद रखें लवणीय जल क्या है, सारी जल क्या है और इसका मृदा पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये डायरेक्ट मृदा के इफेक्ट को प्रभावित करता है। खारे पानी से सिंचाई करने पर मृदा में लवणीयता की मात्रा बढ़ती है तथा मीठे पानी से सिंचाई करने पर लवणीयता की मात्रा क्या होती है, घटती है। दिमाग बात रही है खारे पानी से सिंचाई करने पर मृदा में लवणीयता बढ़ती, लवणीयता बढ़ेगी तो डायरेक्ट आपको बताएं इस सीधा उसका इफेक्ट फसल पर होता है। ज्यादा लवणीय भूमि हो जाएगी फिर बाद में कोई काम की नहीं होगी, सिंचाई के लिए उपयुक्त मानी नहीं जाएगी, फिर वो क्या हो जाएगी बंजर भूमि के रूप में तैयार हो जाती और एक भूमि को लंबे समय तक सूखा रखना, उसको पानी देना ही नहीं, सिंचाई करते ही नहीं तो पड़ी पड़क भूमि भी धीरे धीरे अपना क्या हो जाती है बंजर हो जाती है, उसमें भी लवणता की मात्रा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या हो जाती है अपने आप बढ़ जाती है। तभी अपन देखते हैं मरुस्थली कई प्रकार के ऐसे बेल्ट हैं जहाँ पे बारिश कम होने की वजह से वहाँ पे मिट्टी में लवणता की मात्रा क्या होती है बहुत अधिक हाईवे रूप से बढ़ती जा रही है। तो ये पैटर्न आपके दिमाग में रहेगा। आगे देखते हैं कुछ ऐसे इफेक्टेड हैं जिनकी वजह से पानी को प्रबंध करके उसमें सुधारीकरण कर सकते हैं तो उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैटर को आगे बढ़ा रहे देखिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, मैटर को रब कर रहा देखिए। देखिए आगे अपन देखते हैं कि मिट्टी की उपजाऊपन बनाए रहे, मिट्टी की उपजाऊता बनी रहे और फसल उत्पादन बढ़े तो इसको बढ़ाना तथा मिट्टी को उपजाऊपन बनाए रखने के लिए अपने विशेष करके इसको इफेक्टेड करने वाला फैक्टर है वो जल, जिससे में जो प्रयुक्त होने वाला जल इसको विशेष प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करता है प्रभावित करता है। तो अब मान लीजिए मिट्टी की उपजाऊ बनाने तथा फसल उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से सिंचाई जल की गुणवत्ता एवं उपयोगिता निम्न घटकों पर निर्भर करती है कि क्या क्या घटक होने से जो सिंचाई जल के लिए उपयुक्त माने गए। तो इसमें मुख्य घटकों के अकॉर्डिंग जल के 3-4 पॉइंट आपके दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग बताया जाता है। उनका केमिकली तथा प्रैक्टिकल रूप से आइडेंटिफाई करने के बाद में प्रायोरिटी बताई जाती है और कहा जाता है कि ये पानी सिंचाई जल के लिए उपयुक्त है और इसमें इनकी वजह से मान लो इनकी मात्रा बढ़ी तब ये पानी अनुपजाऊ है। तो 4 पॉइंट के आधार पर पानी की गुणवत्ता अपन फाइंड आउट करते हैं। तो पहला तो आपके दे रखा है इसी के अकॉर्डिंग कि पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी है, तो अपन किसके अकॉर्डिंग याद करते हैं विद्युत चालकता के अकॉर्डिंग तथा मृदा पीएस, मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको क्या करता है प्रभावित करने का कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है सोडियम अधिशोषण अनुपात SR कितना है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसको क्या करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है पानी पर। तीसरा पॉइंट है अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट कि रिड्यूसिबल सोडियम और कार्बोनेट का रेशियो कितना है बताया जा रहा है, उसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका भी इफेक्ट सिंचाई जल पर पड़ता ही। और चौथा पॉइंट है बोरन का हानिकारक
अम्लीय हानिकारक तत्व कौन कौन से जल में उपस्थित है जो सिंचाई जल के लिए उपयुक्त है या नहीं, तो इन तीन चार गुणवत्ता के आधार पर अपन बता सकते हैं पानी उपयोगी है या नहीं। तो पहला अपन पढ़ेंगे पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी उपजाऊ है, इसके आधार पर पानी को तीन चार पाँच से कैटेगरी बांट रखा है और उनके अलग अलग गुणधर्म बताए गए। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। देखिए फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहला पढ़ेंगे पानी में घुलनशील लवणों की मात्रा विद्युत चालकता के अकॉर्डिंग याद करके पानी को कितनी कैटेगरी बांट रखा है और कौन सा पानी किस लेवल में कहाँ प्रयोग किया जाता है उसके साथ हर एक एप्लीकेशन दे रखिए। देखिए इस मैटर का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बाद में एक एक को अपन पढ़ेंगे। चार पॉइंट आज अपन डिस्कस करेंगे, लगभग बनते उससे चार हो जाएंगे, बाकी एक दो रात फिर बाद में कल हो जाएंगे। कल आपका पार्ट लगभग पूरा होने की संभावना बताई जा रही है। देखिए अपन जनरली देखते हैं कि पानी में घुलनशील लवण डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा को क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं और मृदा प्रभावित हो रही है तो उससे फसल पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। आप सब जानते भी हो और हर चीज आप देखते भी हैं कि किस कैटेगरी का पानी, मान लो खारा पानी है या मीठा पानी या एवरेज पानी है, तो उसके आधार पर अपन फसल पर भी अपन ध्यान देते हैं। तो देखते हैं अपन, तो पानी को उपस्थित लवण कितनी मात्रा में उपस्थित है जो इसी के अकॉर्डिंग ज्ञात करके उसके आधार पर उसकी उपयोगिता एवं गुणवत्ता के आधार पर अपन प्रयोग करते हैं। जो अपन देखते हैं तो इसी की मात्रा के आधार पर पानी को पांच कैटेगरी में डिवाइडेड कर रखा है। कितने? पांच कैटेगरी में C1, C2, C3, C4 और C5। C1 कैटेगरी होती है उसमें लवण का स्तर कम होता है, लवण स्तर क्या होता है कम, और इसी की मात्रा बताई जा रही है वो 1.5 डेसी सीमेंट प्रति मीटर से भी क्या होती है कम, 1.5 प्रति सीमेंट मीटर से भी क्या होता है कम मात्रा इसकी बताई जा रही है। जो सामान्य पानी और फसल के लिए क्या माना गया है, उपयुक्त पानी, फसल के लिए ये पानी क्या होता है उपयोगी होता है। जबकि C2 में देखते हैं ये मध्य एवरेज की हो जाता उसमें लवणता की मात्रा, और देखते हैं इसी का मान होता है 1.5 से 3 के बीच में, तथा ये मध्यम पानी है और सिंचाई के लिए इसका भी प्रयुक्त अपन कर सकते हैं, गठन मिट्टी है, गंठे लिए कैसे मिट्टी है, तो वहाँ पे अपन सिंचाई के लिए इस पानी को भी उपयोग में ले सकते हैं। और C3 कैटेगरी में आती उसमें लवणता की मात्रा अधिक हो जाएगी, 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास हो जाती है, वो अधिक लवणीय पानी फसल मध्यम में सहन सकती, मतलब ज़्यादा फसल के लिए सुटेबल नहीं होगा, परंतु विशेष आप देखते परिस्थिति है तो उसके आधार पर मध्यम एवरेज नॉर्मल कंडीशन में उसको क्या करती है एक्सेप्ट पानी को कर सकती है, सहन सकती है। और C4 कैटेगरी पानी आता है वो उसमें लवणता की मात्रा बहुत अधिक होती है, 5 से 10 सेंटीमीटर पर दे रखे आपके, तब वो अधिक लवणीय पानी हो जाएगा और फसल उसको कम सहनती है, मतलब बिल्कुल मतलब न की तुलना सह सकेगी। अर्थात अपन कह सकते हैं हर प्रकार की मिट्टी के लिए इस प्रकार का पानी का प्रयोग करना उचित नहीं होता है। उसके बाद में देखते हैं अपन कि 5 कैटेगरी में अत्यधिक लवण स्तर हो जाता है 10 से भी अधिक, इसी का मान कितना 10 से भी अधिक हो जाता है, तब वो बहुत अत्यधिक लवणीय पानी हो जाता है और वो फसल बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। विशेष कंडीशन में आपने पानी डाला भी है तो भी फसल धीरे धीरे क्या हो जाएगी जल जाएगी और फसल के लिए उपयुक्त नहीं होगा। तो देखते हैं अपन इसी की घुलनशीलता और लवणों की घुलनशीलता के आधार पर पानी को अलग अलग कैटेगरी में रखा है और उनकी अलग अलग उपयोगिता है। तो ये मतलब बारीक का मैटर दे रखा है, आपको ध्यान रखें। कई बार आपके एग्रीकल्चर में पूछते हैं किस कैटेगरी का पानी मृदा के लिए उपयुक्त माना गया है या सिंचाई के लिए उपयुक्त माना गया है, तो आपको दिमाग में बात रहे। आगे अपन देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट अपना है वो है SAR क्या होता है कि सोडियम अधिशोषण की दर कितनी होनी चाहिए उसको अपन स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए आप देखते हैं सोडियम अधिशोषण की दर या सोडियम अधिशोषण अनुपात कितना है कि उसको अपन संक्षेप में SAR से निरूपित करते हैं। जल में सोडियम की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी जल की सिंचाई की उपयोगिता तथा मृदा के भौतिक गुणों पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि अपन देखते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ने पर मृदा के भौतिक गुणों में क्या होता है सुधार होता है। तो ये सोडियम जितना मध्यम आयन में जितना अधिक आयनों के रूप में उपस्थित होगा उतना उसका डायरेक्ट विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है, मध्यम गुणवत्ता क्या होगी धीरे धीरे डिक्रीज होती है। SAR निकालने का फॉर्मूला आपको दे रखा है, सोडियम आयन्स बटा वर्गमूल
कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बटा दो, इस अकॉर्डिंग अपन एस आर का मान ज्ञात करते हैं। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, दिमाग में रहे। एस आर के आधार पर सिंचाई जल को पुनः पांच कैटेगरी में बांट रहे हैं, एस वन, एस टू, एस थ्री, एस फोर, एस फाइव। इसके आधार पर अपन सार का स्तर देखें, एस वन में कम स्तर होता है 10 से कम, मध्य में 10 से 20, फिर बाद में एस थ्री में होगा 20 से 30, एस फोर में होगा 40 से 30 से 40 और एस फाइव में होगा 40 से ऊपर। तो जैसे उसमें आपने पहले वाले में देखा था सी वन, सी टू, सी थ्री, सी फाइव, तो उसी प्रकार इसमें भी वो प्रोसेस होता है। तो सिंचाई में उपयोगिता सेम टू सेम जो पहले फ्लो हुई वो ट्रेंड होगा। जो कम स्तर का है, सार का कम स्तर है, वो पानी सिंचाई के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। और जैसे जैसे सोडियम या एसआर का मान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सिंचाई में उपयोगिता इसकी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी और उस पानी को पौधे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से उनकी अधिशोषण की दर डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल प्रभाव को क्या करती है, इफेक्टेड करने का कार्य भी करती है। अपन देखते हैं अगला अपना बिंदु आएगा, वो आ जाएगा आर एस सी, मतलब क्या हो जाएगा, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की दर कितने होने से उसके आधार पर उसका इफेक्ट क्या होता है, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ध्यान दें। ऐसे कभी कभार आपके टिप्पणी के रूप में या एक नंबर में कभी कभार प्रश्न पूछ दें तो आपके दिमाग में बैठ रहे किस टाइप के क्या प्रश्न होते हैं, तो आप उसको फेल अप करो, छोड़ोगे नहीं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए तीसरा पॉइंट आप पढ़ रहे हो, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर आर एस सी के आधार पर आप देखते हो कोई भी जल सिंचाई के लिए उपयोगी है या नहीं, और आर सी ज्ञात कैसे करते हैं, और आर सी का मात्रक क्या हो जाएगा। आर सी का मात्रक होता है मिली ग्राम, मिली तुल्यांकी ग्राम बटा प्रति लीटर के रूप में इसको निरूपित किया जाता है। उसकी सांद्रता किस प्रकार से निकालते हैं कि कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट आयन कितने माइनस उसमें से घटा दो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयन की सांद्रता को उसमें न्यूट्रलाइज कर दो, तो वो जितने भी उसमें सोडियम कार्बोनेट के अवशेष अवशेष उसमें क्या बचेंगे, शेष बच जाते हैं। तो देखिए सिंचाई जल में बाइकार्बोनेट आयन अधिक होने से मिट्टी की जल सांद्रीकरण के साथ कैल्शियम आयन के अवक्षेपण के रूप में बदलने की दर बढ़ जाती है। जितनी आपकी कार्बोनेट की दर अधिक होगी उतने सोडियम आयन धीरे धीरे निकले जाएंगे और कैल्शियम आयन की सांद्रता बढ़ेगी, जिससे मृदा का शुद्धारीकरण होता है। इससे कैल्शियम आयन की मिट्टी में मात्रा घट जाती है तथा सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है। इटोन ने इस विशेष सूत्र द्वारा प्रतिपद करने का काम किया। यह सूत्र देने का काम किसने किया है, वैज्ञानिक का नाम है इटोन ने, किसने, इटोन नामक एक वैज्ञानिक था जिसने ये सूत्र प्रतिपादित करके बताया। ये सूत्र कहने का कार्य किया है कौन से वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक का नाम है इटोन, इटोन नामक के वैज्ञानिक ने इस सूत्र को देने का कार्य किया है कि अपन किस प्रकार से आर एस सी का मान अपन ज्ञात करते हैं कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयन की सांद्रता का योग माइनस कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की सांद्रता के योग को उसमें घटा दो तब जाकर आपके आर सी का मान ऑब्जर्व हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं कि आर सी का मान 1.25 से अधिक मिली तुल्यांकी ग्राम प्रति लीटर से अधिक है तो फसल सिंचाई के लिए सुरक्षित है। इससे 1.25 से 2.50 के बीच में मतलब आपके सिंचाई जल में आरसी की मात्रा है तो भी आप उस सीमा तक उसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु 2.50 से अधिक होने पर इसकी मात्रा बढ़ जाती तब इसको फसल पे अप्लाई करना उचित नहीं माना जाता, फसल के लिए क्या होगा हमेशा हानिकारक होगा। तो इस प्रकार से अपने फाइंड आउट करते हैं कि आरसी का मान किस प्रकार से निकालते हैं, एसआर का मान किस प्रकार से निकालते हैं, या इसी किस प्रकार से सिंचाई जल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो अलग अलग प्रकार के फैक्टर आपने स्टडी किए, तो इसके आधार पर आपको समझ आता है कि पानी की अलग अलग गुणवत्ता होती है और उसके आधार पर अपन पानी को प्रायोरिटी देते हैं। एक लास्ट बिंदु आपके आ रहा है, बोरॉन तथा अन्य हानिकारक तत्वों की मात्रा का क्या इफेक्ट होता है। तो देखते हैं बोरॉन तथा कुछ ऐसे अलग अलग तत्व दे रखे हैं, उनकी मात्रा मान लो बढ़ जाती है तो वो भी फसल पर हानिकारक इफेक्ट देखने को मिलता है। देखिए चौथा पॉइंट आप डिस्कस करने जा रहे हो,
कि बोरॉन व अन्य हानिकारक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो वो भी फसल पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और पानी की गुणवत्ता को क्या करते हैं, दूषित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे निर्धारित मात्रा दे रखी है उतनी मात्रा तक पानी में मतलब इनकी मात्रा है तो वो फसल पर किसी भी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं दर्शाते, परंतु इनकी निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा होने पर फसल पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे बोरॉन है, लिथियम है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, अलग अलग प्रकार के तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है तो पौधों पर विषैले तत्व विषैले प्रभाव उत्पन्न देखने को मिलते हैं। जैसे बोरॉन की मात्रा होने से वो 5 PPM होने से, PPM का मतलब पार्ट पर मिलियन मतलब बहुत मिलियन के रूप में बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। लिथियम की मात्रा भी 5 पार्ट पर मिलियन और क्लोरीन और फ्लोरीन की मात्रा भी कितने होने से 15 तक एब्जॉर्बेबल है, सूटेबल है। इससे ज़्यादा मात्रा होने पर ये भी सिंचाई जल पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा जो सिंचाई जल की गुणवत्ता धीरे धीरे क्या करेंगे, डिक्रीज करने में भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने डिस्कस किया कि लवणीय जल या क्षारीय जल है उसकी किस प्रकार से पहचान की जाती है, उनको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और सिंचाई जल के कौन कौन से घटक है या कौन कौन से कारकों के द्वारा पानी को सिंचाई के लिए उपयुक्त माना गया है और कौन से फैक्टर पानी को अनुपयुक्त करते हैं, तो विशेष प्रकार के 4 फैक्टर पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं आपने डिस्कस आज किया। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखोगे कि खारा पानी है तो खारे पानी का किस प्रकार से निस्तारण किया जाए, क्या प्रोसेस है, उसको अपन विस्तारपूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो आपने अभी तक जो भी इस पार्ट के रिलेटिव आपकी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उसको एक एक चीज़ को आराम से व्यवस्थित समझिए। जो मैटर आपको समझ नहीं आता है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोन करके आप पूछिए। जितना सिलेबस जितना व्यवस्थित हो रहा है उसको आप एब्जर्व करें, घर बैठ के नोट बनाइए, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप बता के उस समस्या का समाधान करें। यदि इम्पोर्टेंट बात यह है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन या जितने भी प्रकार के एजुकेशन संबंधित आपके इन्फॉर्मेशन है डायरेक्ट इंडायरेक्ट आप तक पहुँचाई जाएगी। सबसे पहले गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।